स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्या तुम दोनों को भी ऐसा ही लगता है कि इलेश को गिरफ्तार कराने में इंदर का हाथ है? नो, नॉट एट ऑल। भाभी, हम लोगों को पूरा भरोसा है, इंदर भैया इलेश भैया के खिलाफ जा ही नहीं सकते। और पापा गए हैं ना उन्हें छुड़वाने के लिए। Everything will be all right. चाची, इलेश नहीं है आपके साथ? आप बेल कराने गए थे ना उसकी, क्या हुआ? इलेश की बेल नहीं हुई। नहीं हुई? ऐसे कैसे नहीं हुई पापा? तो ये आपका किया धरा है भैया? मैंने इतनी सफाई दी फिर भी आपको यकीन नहीं आया ना? अरे मैं क्यों तेरे खिलाफ? बस भैया बस, मैं आपका सारा खेल समझ चुका हूं। मुंह में राम, बगल में छुरी। रजनी दीदी, आप ऐसे चुप बैठेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, है ना इशिका? हाँ भाभी, आप तो कम से कम हौसला मत हारिए। उधर दिशा भाभी रो रही है, इधर आप चुप बैठिए। आपको पता है, इशिका बता रही थी कि इंदर भैया भी रो रहे थे। कहाँ है इंदर? इंदर भैया बाहर गए हैं। डोंट वरी, ईशान है उनके साथ में। आप प्लीज। क्या तुम दोनों को भी ऐसा ही लगता है कि इलेश को गिरफ्तार कराने में इंदर का हाथ है? गिरफ्तार? You mean arrest? No, not at all. भाभी, हम लोगों को पूरा भरोसा है, इंदर भैया इलेश भैया के खिलाफ जा ही नहीं सकते। और पापा गए हैं ना उन्हें छुड़वाने के लिए। Everything will be all right. पर इलेश तो यही समझता है कि ये सब कुछ इंदर ने कराया है। बट वो उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है रजनी दीदी। अब जैसे ही इलेश भैया वापस आएंगे, हम सब बैठ के उन्हें समझा देंगे। भाभी, इंदर भैया की कंपनी ने इलेश भैया पे केस किया है, तो इलेश भैया को लगा होगा कि इंदर भैया ने इंदर को बहुत दिनों से ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इलेश को लेकर बहुत परेशान थे वो, और जब इंदर के बॉस ने उनसे कहा कि इलेश की कंपनी काले धंधे में शामिल है, तो उस दिन वो पूरी रात नहीं सो पाए थे। I can understand. दिशा कहाँ है? दिशा भाभी दादाजी के पास है, और बड़ी माँ भी वही है। पता नहीं अब मैं दिशा से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। इस घर में मैंने यही एक चीज तो देखी है रजनी दीदी, हम सब एक दूसरे को माफ करना जानते हैं, जैसे आपने मुझे माफ किया, मैंने आपको। और अगर देखा जाए तो सबसे बुरा तो मैंने किया है ईशान के साथ, लेकिन उसने भी मुझे माफ कर दिया, और आज वो मुझसे कितना प्यार करता है। हम सब
सब एक दूसरे को प्यार करना जानते हैं रजनी दीदी, इसलिए सबकी बुरी यादें भूल जाते हैं। सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरी पगली देवरानी इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकती है। सच में कभी नहीं सोचा था कि दुख के किसी पल में मैं तुम्हारे कांधे पर सर रख के रोऊंगी। इंदर भैया, आपके घर पुलिस क्यों आई थी? खुशी के मम्मी डैडी मिल गए क्या? अबे जाके काम करना अपना, मेरे घर में क्या चल रहा है? आके रिपोर्ट दूं तुझे मैं? नहीं इंदर भैया, वो मैं क्या आता हूँ तेरे घर में झांकने के लिए? क्या चल रहा है इंदर भैया, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पापा गए हैं ना, कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि आसानी से बेल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। गुस्सा तो मुझे इलेश भैया पे आ रहा है। जब कभी इस बात को छेड़ते थे वो नाराज हो जाते थे। उन्हें लगता है हम उनकी तरक्की से जल रहे हैं। अरे वंगर भाई, क्या बात, बड़ी देर में बढ़ाई दुकान, लेट हो जाओ, जल्दी निकल लो। जा ही रहा हूँ। अरे इंदर भाई, क्या हुआ, ये पुलिस क्यों आई थी घर में? इलेश भाई ने कोई घपला किया क्या? बताओ, सारा देश भ्रष्टाचार मिटाओ के लिए धरने दे रहा है और हम लोग हैं कि घपले पे घपले किए जा रहे हैं। वैसे कहाँ डाला है इलेश भाई को? तिहाड़? अबे तू अपनी बकवास बंद करेगा। अरे वाह, तिहाड़ जेल, वहां तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। इलेश भाई की बड़े बड़े लोगों से पहचान होगी, क्यों मनोहर? हाँ हाँ, आजकल जितने बड़े बड़े लोग हैं सब तिहाड़ में ही तो है। किस किस से लड़ेगा तू? ये तो होना ही था। इलेश को सबके सामने पुलिस पकड़ के ले गई, ये सब लोगों ने देखा, तो सवाल तो सब लोग करेंगे ना। चाचू, इलेश नहीं है आपके साथ? आप बेल कराने गए थे ना उसकी, क्या हुआ? इलेश की बेल नहीं हुई। नहीं हुई? ऐसे कैसे नहीं हुई पापा? इलेश भैया, अरे वो बहुत देर हो गई थी, तो अब कल सुबह होगा सब कुछ, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुबह हो जाएगी मतलब? इलेश भैया के रात भर जेल में रहेंगे पापा। अच्छा वो वकील ने क्या कहा केस के बारे में? कुछ तो कहा होगा ना? अरे मैंने कहा ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तू जा ना अंदर, देखना दिशा क्या कर रही है। जाना। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि नहीं बताना चाहते? छोटा हूं ना मैं। हाँ तो चल, बोल दिया, अब जा।
चाचू कुछ प्रॉब्लम है क्या? हिलेश का केस नॉर्मल नहीं है इंदर। हमारा हिलेश बहुत बुरी तरह से फंस गया है। उस दिन वही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं उसको, लेकिन गलती सिर्फ हिलेश की नहीं है, हम सब लोगों की गलती है। हम सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से हिलेश पिछले दिनों से पैसे उड़ा रहा, लेकिन हम में से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। हाँ चाचू, हम सबको अपने तरीके से पता करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम सबसे चूक हो गई है। मैं भी सोचता था कि जाऊंगा उसके ऑफिस, पूछूंगा सबसे, देखूंगा क्या हुआ है, लेकिन आजकल करते हुए जा ही नहीं सका। लेकिन इंदर कुछ भी कहो, हमारा हिलेश बेईमान नहीं है। हम सब जानते हैं कितना भोला है, और आज के जमाने में भोले इंसान को कोई भी उल्लू बना सकता, और हिलेश को उसकी कंपनी वाले उल्लू बनाते रहे और उसको भनक तक नहीं हुई। इलेश बहुत नाराज था ना मुझसे। मैं आज यहां पुलिस स्टेशन में हूं इंदर भैया की वजह से। इंदर भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कह रहा था? नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अरे अपना तूने दिशा से कोई बात की क्या? जाना थोड़ी देर जाके उसके पास बैठ, ऐसे समय में उसे हमारी जरूरत है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।